हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो टॉपिक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, काफी पॉपुलर प्रॉब्लम है। अगर 17 टू द पावर x माइनस 15 टू द पावर x इक्वल टू 8 टू द पावर x होता है, जहां पर x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो आपको x की वैल्यू क्या होगा निकालना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं ध्यान से देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ध्यान से देखिए इसकी सॉल्यूशन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले जो क्वेश्चन है उसे मैं लिख लूंगा। तो यहाँ पे 17 टू द पावर x माइनस 15 टू द पावर x इक्वल टू 8 टू द पावर x। ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन गिवन है इसकी वैल्यू आसानी से निकलेगा नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 पुट करके चेक करूंगा कि ये जो इक्वेशन है लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर इक्वल हो जाता है तो इसकी एक यहाँ पे x की जो वैल्यू होगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैं पहले x की वैल्यू 0 पुट करके देखूंगा कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल होता है या नहीं। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 17 टू द पावर 0 माइनस 15 टू द पावर 0 इक्वल टू 8 टू द पावर 0। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 7 कोई भी नंबर की अगर पावर में 0 होता है तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे 1। अब ध्यान से देखिए, 1 इक्वल टू 1 0, 0 इक्वल टू 1, जो कि इम्पॉसिबल, ये इनवैलिड भी है। ध्यान से देखिए, यानी कि x इक्वल टू 0 इसकी सॉल्यूशन नहीं होगा। ध्यान से देखिए, मैं अब x की वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं ये दोनों जो इक्वेशन है सेटिस्फाई होता है या नहीं। ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 17 टू द पावर 1 माइनस 15 टू द पावर 1 इक्वल टू 8 टू द पावर 1। ध्यान से देखिए, 17 माइनस 15 2 इक्वल टू 8, जो फिर से इनवैलिड होगा, 2 8 के बराबर नहीं है। तो ध्यान से देखिए, ये भी इनवैलिड हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू 2 लेके चेक करता हूं कि ये वैलिड होता है या नहीं। तो यहाँ पे 17 टू द पावर 2 माइनस 15 टू द पावर 2 इक्वल टू 8 स्क्वायर। 17 स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 225 इक्वल टू यहाँ पे 64 होता है, ठीक है, 8 स्क्वायर 64। जब इससे हम इसके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 64 मिल जाएगा, जो कि 64 के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो x इक्वल टू 2 ये वैलिड सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसकी एक यहाँ पे जो x इक्वल टू 2 ये इज वैलिड सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसकी वैलिड यानी कि x की वैल्यू 2 होगा। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 17 टू द पावर x माइनस 15 टू द पावर x इक्वल टू 8 टू द पावर x लिख दीजिए, ठीक है। इसकी मैं अब एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ कि x की वैल्यू 2 यहाँ पे क्यों है। अब ध्यान से देखिए, मैं 15 टू द पावर x से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पे 17 टू द पावर x माइनस 15 टू द पावर x अपॉन 15 टू द पावर x इक्वल टू 8 टू द पावर x अपॉन 15 टू द पावर x। अब ध्यान से देखिए, जब ये जाएगा तो यहाँ पे 17 टू द पावर x अपॉन 15 टू द पावर x माइनस 15 टू द पावर x अपॉन 15 टू द पावर x यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 टू द पावर x अपॉन 15 टू द पावर x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर x अपॉन y होल टू द पावर m होता है तो उसकी वैल्यू x टू द पावर m अपॉन y टू द पावर m होता है। इसको ध्यान से देखिए, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 17 अपॉन 15 होल टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू, सिमिलरली इसको भी देखिए 8 अपॉन 15 होल टू द पावर x। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की रियल वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ पे 17 अपॉन 15 ये 1 से बड़ा है और यहाँ पे 8 अपॉन 15 1 से छोटा है। तो यानी कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और दोनों फंक्शन एक पॉइंट में मिलेगा जो x की वैल्यू 2 पे ये दोनों फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेट इसका जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर